भिवानी में इनेलो की छात्र इकाई इंचो ने लघु सचिवालय के बाहर स्टॉल लगाकर पकौड़े बेचे और पीएम मोदी की सोच पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब युवाओं को पकौड़े ही बेचने हैं तो शिक्षा व सरकार की नीतियां किस काम की। उन्होंने सरकार से युवाओं के लिए शिक्षा, नौकरी, ऋण व भत्ता देने की मांग की। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पकोड़े बेचने को रोजगार क्या बताया कि पकोड़े पर सियासत हर रोज गर्माती जा रही है। इसी पकोड़ा सियासत को आगे बढ़ाते हुए इनेलो की छात्र इकाई इनसो के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर स्टॉल लगाकर पकोड़े बेचे। साथ ही पकोड़े बेचते समय बचत न होते देख केंद्र सरकार के खिलाफ बीच बीच में नारेबाजी करते रहे। इनसो पदाधिकारी मनदीप ने बताया कि पकोड़े तो अनपढ़ युवा भी बना सकता है। युवाओं को जब पकोड़े ही बनाने हैं तो शिक्षा या सरकार की नीतियां उनके किस काम आएंगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पकोड़े बनाने के लिए 300 रुपए का सामान खरीदा है और 10 किलो पकोड़े बनाकर बेचे तो 25 युवाओं के हिस्से केवल 450 रुपए आए। इसमें 300 रुपए तो सामान पर ही खर्च हो गए, बचत केवल 150 रुपए ही आई। इनसो के पदाधिकारियों ने कहा कि वो पीएम मोदी से पकोड़े की बजाय शिक्षा, नौकरी, उद्योग, ऋण एवं बेरोजगारी भत्ते की मांग करते हैं। पकोड़े ले लो, पकोड़े पकोड़े ले लो, पकोड़े पकोड़े खाओ जी, खाओ पकोड़े खाओ। हरियाणा सरकार आज इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दिग्विजय सिंह चौटाला दिशा निर्देश, इनसो अब लगातार ये अभियान चलाएगी पकोड़े बेचकर। हम संदेश तो यही देना चाहते हैं, मोदी साहब ने अपने भाषण में कहा जब पकोड़े बेचने वाला शाम तक 200-300 रुपए खरीद लेता है, कमा के ले जाता है, हम युवा हैं, हम बेरोजगार हैं तो हम पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया ताकि हम भी हमारा पेट पाल सकें। आज बेरोजगार युवा सड़कों पर है, हम बेरोजगार, आज क्राइम बढ़ रहा है, बेरोजगार युवा है तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आज युवा पकौड़े बेचकर अपना पेट पालने को मजबूर है, सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा। अगर सरकार जल्द से जल्द कदम नहीं उठाती तो इनसो बहुत बड़ा आंदोलन भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला निर्देश में बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ने जा रही है।